यूँ तो संगम नगरी को धर्म की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे धार्मिक क्षेत्र में कई बड़े बड़े आयोजन होते हैं हर साल माघ मेले के, उसके बाद 6 साल या 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। लेकिन अगर संगम नगरी की बात करें तो यहाँ पे एक धार्मिक महत्व भी है, इसके साथ साथ यहाँ के लोग भी हैं वो कई मिसाल पेश करते हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम का एक अपना भाईचारे का जो संदेश प्रयागराज से निकलकर देश दुनिया तक जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रयागराज संगम नगरी के रहने वाले हामिद भाई हैं, जो लगातार पिछले 20 सालों से रामलीला में जो कलाकार होते हैं उनका मेकअप आर्टिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ ये पिछले रामलीला में भी अपना कला का एक मतलब कि प्रतिभा करते हैं, उसमें कलाकार में राम सीता जैसे जो प्रतिभागी होते हैं उसी तरह से हमीद भाई भी लगातार बनते आ रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे प्रथाचट्टी रामलीला में मेकअप आर्टिस्टों का जो मेकअप करते हैं हमीद भाई, आज उनसे हम खास बातचीत करते हैं कि हमीद भाई कितने साल से आप रामलीला में, रामलीला से जुड़े हुए हैं और रामलीला में आप किस किस किरदार की भूमिका निभाए हैं, और एज अ मतलब आप कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन इस तरह की बातें आपने कभी फेस किया कि नहीं? सर, श्री प्रथाचट्टी रामलीला से हमको जुड़े करीब 18 से 20 साल हो गया है, और एक्ट भी हमने किया है किसी टाइम में, परशुराम का किया, सुग्रीव का किया, केवट का किया, ऐसे एक्ट भी करते थे। लेकिन जब रामलीला से मेकअप से जुड़े थे शुरू से, तो जब मेकअप करने लगे तो फिर मेकअप से ही जुड़े रह गए और सभी का मेकअप किया, पूरी लीला का मेकअप करते हैं, पूरी रामलीला का, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कितने साल की उम्र थी जब आपको ये ख्याल आया कि आपको रामलीला मतलब राम हिंदू के जो एक पवित्र माना जाता है राम का किरदार और रामलीला लोग सभी देखते हैं, तो कितने साल के थे, कब ये आपको ख्याल आया? 12 से 15 साल के रहे होंगे, बहुत छोटी उम्र थी। तो मतलब क्या सोचे, कैसे सोच के इस लाइन में आए? श्री लोकनाथ व्यायामशाला में ऐसे हम लोग थोड़ा फ्री हैंड एक्सरसाइज करने जाते थे, तो वहाँ शो होता था। शो के टाइम ये होता था कि किन किन बच्चों को सिलेक्ट किया जाए, अब उसी में हम लोगों को बुला लेते थे कि तुम ये कर लो, उसी से टाइम से जुड़े हुए थे। अब यूँ कहें कि बचपन से आपकी रुचि, बचपन से ही इसी लाइन में लगे थे। कितने साल हो गए लगभग? ऐसे तो सर ज़्यादा हो गया, लेकिन प्रथाचट्टी से 20 साल हो गए। 20 साल हो गए जी। लगभग टोटल कितने साल हो गए रामलीला से? अरे 91 से जुड़े हुए थे सर। अभी आप कोई किरदार आप निभाते हैं कि अभी टाइम नहीं होता ना, बहुत ढेर सारे यहाँ आर्टिस्ट होते हैं, 70-80 आर्टिस्ट रोज मेकअप हम करते हैं, और हमारे छोटे भाई हैं साथ में असिस्ट करते हैं हमको, अर्षद जी, दोनों भाई मिलके, और एक और हमारे मित्र हो रहे हैं। तो किसका मतलब कौन कौन से ऐसे किरदार का आप मेकअप करते हैं? राम सीता लक्ष्मण, राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न कैकेयी कौशल्या सुनैना, मतलब सारे आर्टिस्टों का सर। अच्छा, जब आप मेकअप करते हैं, मेकअप करते समय आपको बहुत महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी देना होता है कि राम का मेकअप किस तरह करना है, सीता का मेकअप किस तरह करना है, लक्ष्मण का, एक उनका चेहरे पर वो भाव लाना होता है, तो कितना चैलेंजिंग होता है? सर ये सोचना पड़ता है, रामचंद्र जी क्षत्रिय थे और राजा के वंश उसमें थे, उसी हिसाब से उनका फेस हमको बनाना पड़ता है, और कहते भी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो मर्यादा के अंदर ही उनको रखना पड़ता है, और नहीं कर सकते कहीं से। क्या क्या उस पर फॉलो करते हैं, क्या क्या मतलब? सारी चीज़ें, एक एक चीज़ जो होना चाहिए हमसे जो बच सकता भाव है में, भाव में जब तक हमारे में भाव नहीं आएगा तो उसमें कहाँ डाल पाएंगे। क्या आगे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं? सर ये सब ये राजनीति होती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट के लिए सारे बराबर होते हैं, मंच हो या फिल्म हो या कुछ भी हो, आर्टिस्ट को एक जैसा ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हमारे साथ संगम नगरी के रहने वाले हामिद भाई हैं, जो विगत पिछले 20 सालों से रामलीला के जो आर्टिस्ट होते हैं उनका मेकअप करते आ रहे हैं, और उनका साफ साफ कहना है कि जो हमारे प्रयागराज में जो यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो धरोहर है, यहाँ का जो व्यवहार है लोगों का, वो व्यवहार में कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिस्ट होता है उसमें कोई जात पात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ना उसकी कोई एक द्वेष बेस नहीं होता, बल्कि वो एक भाईचारे की तरह रामलीला में वो सेवा करते आ रहे, आगे भी सेवा करते रहेंगे। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।